हम लोग ब्लॉगर बबुआ मेरे भैया और हम एक्सप्लोरर दोनों लोग अब मंदिर की ओर आगे बढ़ते हुए, और होटल के जस्ट सामने हमारा ये मेन रोड है और यहाँ से कुछ 500-600 का दूरी है, तो चलेंगे अब हम लोग, बात करेंगे रास्ते में क्या है कैसा है। और एक सरप्राइज आने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत तेज़ धूप है, सरप्राइज के बारे में थोड़ा सा देर के बाद बात करूँगा। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है और हम लोग को इधर जाना है, थोड़ा सा अलग जा रहे हैं, अब चलते हैं थोड़ा रास्ते पर। ब्लॉग में हम लोग जो बेसिकली कवर करने वाले हैं आपको समझ में आ गया हो, तो होटल से निकल के अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर। मंदिर के बारे में रहेगा ये पूरा ब्लॉग हमारा मेनली। जैसे जैसे हम लोग मंदिर के पास आ रहे हैं वैसे वैसे आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वैसे वैसे भीड़ धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम लोग पहुँच चुके हैं बाबा बैद्यनाथ धाम, पीछे आप देख पा रहे होंगे क्या अद्भुत नज़ारा है, पावन धाम में एकदम हम लोग पहुँच गए हैं। देखिए कितना भीड़ उमर पड़ा है, जो कि अभी शुक्रवार ही है, सोमवार को आप इमेजिन कर पाइए कितना भीड़ होगा। जाएंगे हम लोग अब दर्शन करेंगे। इस ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं मैं, और बने रहिएगा इस ब्लॉग में, आपको पूरा जानकारी मिलेगा कि कैसे हम लोग जा रहे हैं, कैसे दर्शन कर रहे हैं, कैसे जल चढ़ा रहे हैं इतने भीड़ होने के बावजूद भी। और तो और एक सरप्राइज है, मैंने पहले ही बताया था कि मैं आपको बताऊँगा, अभी मैं वो डिस्क्लोज नहीं करने वाला हूँ। मैं ऐसे शख्स से मिलने वाला हूँ जो कि आप भी जानते होंगे उन लोगों को, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, बहुत यहाँ के अच्छे पंडित हैं, तो उनसे हम लोग पहले। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ किसी खास व्यक्ति से मिलने वाला हूँ जो कि आप लोग बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे, तो देखो ये कौन है हमारे साथ आज। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। जानते हो ना आप सभी इनको, ये निखिल बाबा हैं ट्रैवल विद निखिल के। मेरा चैनल का नाम है ट्रैवल विद निखिल, और हम यहाँ बाबा बैद्यनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित हैं, पंडा जी हैं यहाँ पे बाबा बैद्यनाथ धाम की नगरी देवघर में। अगर आप लोग यहाँ पे आते हो दर्शन पूजा करने के लिए तो आप मुझसे संपर्क करो, आप लोग यहाँ पे आओगे आप लोगों को अच्छे से दर्शन पूजा कराएंगे। बाकी बात जो है निखिलेश भाई बताएंगे इनको कैसे हमने दर्शन कराया, तो आप लोग यहाँ पे आओ और बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं बाबा का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अभी फिर मैं बाबा से बात करता हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ, तब तक मेरे चैनल पर बने रहे। हर हर महादेव। भीड़ थोड़ा अभी कम है आज शुक्रवार होने की वजह से, तो सही है, हम लोगों का जल्दी से जल्दी दर्शन हो पाएगा, हम लोग आगे जाएंगे। तालाब से चढ़ के 10 मिनट में घूम जाएंगे, 15 मिनट। अच्छा, ऐसे पास से जाते 55 रुपया, 500 मतलब दोनों मिला के 1000 रुपया पास में चले जाते, इसलिए यहाँ से चढ़ेंगे 5 मिनट आप लोग चढ़ के, निकले भैया अंदर में रहेगा चेक पॉइंट पे, पहुँच जाइएगा 15 मिनट में। अच्छा, हम लोग चल रहे हैं बेसिकली धोबिया तालाब कहा जाता है इसको, यहीं से हम लोग ये वाला जो बेसिकली गेट है यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अंदर, और फिर दर्शन करेंगे आगे जाके। हम लोग को बता दूं कि हम लोग अब उस गेट से अंदर आ चुके हैं, थोड़ा सा देख ही चलना पड़ेगा कि उस सीढ़ी जैसा रास्ता है। बोल बम, बोल बम।
लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि कैसे कैसे दर्शन हुआ। खैर आपको संक्षिप्त में बता दूं तो पहले हम लोग मुख्य द्वार से हम लोग अंदर गए, फिर अंदर जाके जल अर्पण किया और फिर सीधे हम लोग गए पार्वती जी के मंदिर में और वहाँ जाकर दर्शन किए।